पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता और मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अपने नेता के बयान के लिए हम माफी मांगते हैं, पार्टी इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। पार्टी को इस तरह के बयान से कोई मतलब नहीं है, किसी ने गलती की है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर दिन बयान देने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है वह अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोलना एक कला है, मैं कभी कभी की भूंद की माकार जिसका अर्थ अजीब होता है शब्द का प्रयोग करती हूँ। शब्दकोश में एक शब्द है, मैंने डिक्शनरी के बाहर किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यदि मैं कभी कोई अपशब्द बोलती हूँ तो मैं उसे तुरंत वापस ले लेती हूँ और निश्चित रूप से हमें वो अधिकार है। पश्चिम बंगाल के सुधार गृह मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने नंदीग्राम के एक गांव के रैली में कहा था कि उन्होंने बीजेपी मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, हम किसी को उसके रूप से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। इस बयान को लेकर चौतरफा आलोचना होने के बाद अखिल गिरी ने शनिवार को माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि मेरा आशय राष्ट्रपति का अनादर करने से नहीं था, मैं केवल उन बयानों का जवाब दे रहा था जो बीजेपी नेताओं ने मुझ पर हमला करते हुए दिए थे। हर दिन अपने रूप के कारण मैं मौखिक हमले का शिकार होता हूं। यदि किसी को लगता है कि मैंने राष्ट्रपति का अनादर किया है तो मैं इस बयान के लिए माफी मांगता हूं। देश के राष्ट्रपति का मैं बहुत सम्मान करता हूं। बीजेपी ने अखिल गिरी के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस का निशाना साधा था और कहा था कि गिरी की टिप्पणी टीएमसी के आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा था कि अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उन्होंने तुरंत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि बंगाल बीजेपी ने कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में गिरी को मंत्री पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैली भी निकाली थी। बीजेपी के अलावा कई अन्य दलों ने भी इस बयान की आलोचना की थी। वहीं टीएमसी ने कहा था कि वह इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते, लेकिन नेताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से की गई टिप्पणियों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। वीडियो डेस्क amaruchhala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।